सर एक चीज क्लियर करें, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हमने सुबह इंटरव्यू किया अरुण जी का, उन्होंने आपको कॉल किया हमारे सामने, आप बोल रहे हैं कि आप 9 बजे तक दुकानें खोल सकते हैं आज के दिन के लिए। जी जी। उसके बाद अभी कुछ चैनल्स क्या हैं कि वो ये चला रहे हैं कि आपने वापस ले लिया ऑर्डर, आपका ट्वीट जो शो हो रहा है वहां पे, वो तो कल का ही ऑर्डर कर आप कर रहे हैं, तो कुछ चैनल जो है आपको बोल रहे हैं कि दुकानें बंद करो 2 बजे के बाद। हाँ हाँ, मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। मेरा ट्वीट से स्टार्ट करते हैं जी। मेरे ट्वीट पे बड़ा क्लियर कट लिखा हुआ है, नॉन एसेंशियल मूवमेंट आज 2 बजे से लेकर मंडे सुबह 6 बजे तक बंद रहेगी जी। और ये वही जो टाइमिंग्स हैं और वो डेज हैं वो वैसे ही हैं जो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी ने फिक्स की है, वो मेरा ऑर्डर नहीं है, वो गवर्नमेंट का ऑर्डर है। बिल्कुल, मैंने सिर्फ क्लैरिटी के लिए उसको क्लियर किया है। हाउएवर पिछली बार की तरह जैसे पैनिक लोगों में फैल जाए तो उसको अवॉइड करने के लिए मैंने क्लैरिटी इसीलिए दी है हमने कि ट्रांसपोर्ट के ऊपर, एसेंशियल सर्विसेज के ऊपर, होम डिलीवरीज के ऊपर पाबंदी नहीं है, ताकि जिनको प्री प्लान्ड कोई एक्टिविटीज है, कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई टूरिस्ट है, उसको किसी प्रकार की मुश्किल का सामना ना करना पड़े और किसी की लाइवलीहुड भी इफेक्ट ना हो। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसके अंदर कोई कंफ्यूजन की बात है। और जहां तक रही चैम्बर और मार्केट एसोसिएशन की बात, वो डेफिनेटली हमारी कंसल्टेशन हुई थी और लोगों की बेहतरी के लिए ही हमने ये जो सजेशन जो उनकी तरफ से आया था, हमने उनको उसको वेलकम किया है कि कल और परसों अगर शॉप्स भी अपने जो हमारे दुकानदार हैं और हमारे बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स के ओनर्स हैं, अगर वो भी जो है बंद रखें अपनी एस्टैब्लिशमेंट, जैसे उन्होंने पिछले वीकेंड भी कोऑपरेट किया था, तो उससे भी आई थिंक हम थोड़ा चेन ऑफ ट्रांसमिशन को और ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन सरकारी तौर पर कोई दुकानें बंद करने की या कोई ऐसी पाबंदी किसी ऑर्डर में नहीं है। बिल्कुल, मतलब जो चैम्बर के साथ आपकी वो बात हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि हमें आज अनुमति दे दें 9 बजे तक काम करने के लिए, क्योंकि फेस्टिव सीजन भी है हमारा, तो आपने उसको कहा है कि आप कर सकते हैं, लेकिन कल से वो खुद बोल रहे हैं कि हम बंद करेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक सर से एक चीज और पूछना चाहूंगा, मैरिजिस को लेकर ना लोग बड़े लगातार क्वेश्चन हो गए, कॉल्स कर रहे हैं कि इसके लिए कोई बातचीत चल रही है। सर आप इस पे कुछ लोगों को टाइम में कुछ रिलैक्सेशन देने जा रहे हैं या फिर कुछ इसमें गैदरिंग में कोई कैपिंग बढ़ाई जा सकती है आने वाले दिनों में? देखिए, कभी भी जो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो हाईएस्ट बॉडी है, वो डिसाइड करती है इन रिस्ट्रिक्शंस को, तो उन्होंने अभी इस तरीके का कोई रिलैक्सेशन का फैसला नहीं लिया है। तो सीलिंग अभी भी वो जो 25 की है वो बरकरार है जी। और दूसरी चीज जो टाइमिंग्स की है, वो जो नाइट कर्फ्यू हमारा, जिसको हम पहले लूज लैंग्वेज में कहते थे, जिसको आजकल रिस्ट्रिक्शंस की फॉर्म में लिखा जा रहा है कि रिस्ट्रिक्शंस होंगी 9 बजे के बाद से, तो वो रिस्ट्रिक्शंस 9 बजे के बाद से लागू रहेंगी नॉन एसेंशियल मूवमेंट पे। और कैपिंग जो है उसके अंदर किसी तरह की रिलैक्सेशन आज की डेट में नहीं है, बाकी फिलहाल स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी टाइम टू टाइम डिसीजन लेगी। एक सर एक रेस्टोरेंट वाले कॉल कर रहे हैं, उनका एक सवाल है, वो चाहते हैं कि इसमें क्लैरिफाई आप दे दें। रेस्टोरेंट में आपने कहा है कि डिलीवरी वाले खोल सकते हैं जी, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें शटर बंद करके बोला जाता है, हमें शटर खोलेंगे तभी अंदर काम करेंगे, तभी हम लोगों को भी दे पाएंगे जो हमारे पास डिलीवरी लेने आएगा वो आए। तो इसमें पुलिस वाले कभी आते हैं, उन्हें तंग करते हैं कि आप बंद करिए, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, वो होम डिलीवरीज के लिए हमने अलाउ बिल्कुल किया हुआ है ताकि इनकन्वीनियंस लोगों को ना हो। बहुत सारे घर जो है वो कोविड पॉजिटिव है, इस बार ये जो वेरिएंट है स्प्रेड भी ज्यादा करता है, तो पूरी फैमिली कई बार इन्फेक्ट हो जाती है, तो बहुत सारे लोगों को होम डिलीवरीज पे डिपेंड करना पड़ता है, तो इसके लिए उसको तो हमने बिल्कुल फैसिलिटेट किया है। और उसके लिए रेस्टोरेंट्स और उन सबसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वो कम से कम जो है अपने स्टाफ के साथ मैनेज करें, ताकि उनका जो एक्टिविटीज है वो भी चलती रहे और लोगों को भी इनकन्वीनियंस ना हो। जहां तक पुलिस एनफोर्समेंट की बात है, तो एनफोर्समेंट सिर्फ और सिर्फ कोविड एसओपीज के को लेकर होती है, कंजेशन को लेकर होती है। कई बार देखा जाता है कि इन ईटरीज और इनके आउटलेट्स के अंदर बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, जो चीज फिर वंस अगेन चेन ऑफ ट्रांसमिशन में के लिए खतरनाक है, तो उस तरीके से उसको इन्फोर्स किया जा रहा है। और मैं आगे भी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कोऑपरेट जैसे उन्होंने पहले किया है आगे भी करते रहे। सर सैंपल कलेक्शन जो है उसकी रफ्तार कितने किस तरीके से हमारे मास लेवल पे डिस्ट्रिक्ट में जम्मू के खासकर बात करूं तो चल रही है अभी? देखिए, सैम्पलिंग की मैं समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट जम्मू की जो प्रोग्रेस आई थी प्रोविंस में सबसे बेहतर चल रही है। अगर मैं वीकली प्रोग्रेस की बात करूं तो जो 2 वीक्स पहले हमने वीकली जो सैंपल्स उठाए थे, कुछ 28,000 सैंपल्स हम उठा रहे थे हफ्ते के, और जो पिछले हफ्ते उसकी जो संख्या वो बढ़ा करके 38,000 कर दी गई थी, और इस हफ्ते हमने 50,000 का आंकड़ा भी पार किया है। तो इस हफ्ते जो हमारा वीकली सैंपल कलेक्शन है उसकी फिगर 50,000 है, जो आज तक की कोविड आउटब्रेक के बाद की सबसे ज्यादा टेस्टिंग है, क्योंकि कोशिश हमारी यही चल रही है कि जितने भी पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं उनको आइसोलेट करें ताकि इस चेन को हम ब्रेक कर सकें। जी सर, एक चीज जानना चाहूंगा, अभी आपने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं, लेकिन आखिर में ये जो बूस्टर डोज का बात करी जा रही है, लोग पूछ रहे हैं कि बूस्टर डोज के लिए क्या कोई क्राइटेरिया है, कितना कुछ रखा गया है और हमें कहां कहां विजिट करना? आप तो टाइम टाइम बताते हैं लोगों को, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन गैप जो है लोगों के बीच में कि बूस्टर डोज किन लोगों को लग रही है और कौन लोग वहां पर अप्रोच करें। देखिए, बूस्टर डोजेस हमारे सभी फ्रंटलाइन वॉरियर्स को लग रही हैं, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स उसमें आते हैं, पुलिस के फंक्शनरीज आते हैं, हमारे
रेवेन्यू स्टाफ जो मजिस्ट्रेट्स हमारे और उनकी फील्ड टीम्स जो डिप्लॉयड हैं लगातार फ्रंटलाइन पर काम कर रहे हैं उनके लिए बूस्टर डोजेज अवेलेबल हैं। उसके अलावा हमारे सीनियर सिटीजन और जो लोग कोमॉर्बिडिटीज का शिकार हैं उन लोगों के लिए भी बूस्टर डोजेज जो है वो अवेलेबल हैं और डिस्ट्रिक्ट में 71 साइट्स फंक्शनल हैं और उन 71 साइट्स की पब्लिसिटी भी एडिक्वेटली कर दी गई है और जो हमारे वैक्सीनेशन साइट्स पे जो रेगुलरली जो क्योंकि ये प्रक्रिया एक साल से चल रही है शहर में जो 23 साइट्स हमारी रेगुलरली चल रही थी वो अभी भी फंक्शनल है। पहले 19 साइट्स थी उनको बढ़ा करके 23 कर दिया गया है ताकि लोगों को किसी तरह की मुश्किल ना हो और घर के नजदीक ही उनको वैक्सीनेशन अवेलेबल हो। चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया सर आपने तमाम चीजें क्लियर करने के लिए।